पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जो है फिलहाल एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 187/6 है और यहां से अगर वो 50-60 रन और बनाते हैं तो उनकी बढ़त तकरीबन 300 रनों की हो जाएगी, जो शायद पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल कर जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस मैच में 15-20 रन पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया तो पाकिस्तान लगातार 24 सालों से हारने के बाद वो पहला टेस्ट मैच जीत जाएगा जो पाकिस्तान जीतना चाहता है। एक टफ मैच है, नए गेंदबाजों के साथ पाकिस्तान की टीम जो है फिलहाल 55-45 के रेशो पर है। 55% पलड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका है, 45% पलड़ा जो है वो झुका हुआ है पाकिस्तान की तरफ। लेकिन शायद ये 55-45 का जो पलड़ा है ये 80-20 का हो जाता अगर अब्दुल्ला शफीक के हाथों से वो क्रोकोडाइल अंदाज में कैच नहीं टपक जाता। वो एक कैच नहीं, वो मैच था जो शायद पाकिस्तान ने टपका दिया शायद, क्योंकि अगर वो कैच अब्दुल्ला शफीक पकड़ लेते तो जो मिचेल मार्श के 96 रन है ये केवल 20 रन रह जाते। 76 रन ऐसे हैं जो कम होते और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर शायद 100 या 110 रन होता। पाकिस्तान इस मैच में आसानी से अपनी बढ़त बनाए होता और शायद और ज्यादा विकेट गिरते और आसानी से मैच खत्म हो जाता, क्योंकि विकेट लगातार गिर रहे थे। उस वक्त प्रेशर था, चौथा विकेट जो था वो 16 पे गिरा था और उसके तुरंत बाद 20 रन पर वो कैच आया था। लेकिन कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने जब एक कैच ड्रॉप किया तो फिर उस वक्त कमेंट्री कर रहे मार्क बाउचर ने कहा कि ये क्रोकोडाइल हैंड से कैच पकड़ा जा रहा था। हास्यास्पद है, लेकिन आप सोचिए ना कि यार पाकिस्तान इस मैच में टॉप पर थी। मेलबर्न में जो माहौल था वो टॉप पर था, जिस तरह से बॉल निकल रही थी, जिस तरह से हवाएं चल रही थी, जिस तरह से माहौल चल रहा था, हसन अली पीछे डांस करवा रहे थे, वो सब कुछ कमाल था। लेकिन मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक ने वो एक कैच बहुत 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 खतरनाक ड्रॉप किया। वैसे भी मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में आप मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को कभी भी ड्रॉप मत कीजिए। खासतौर पर अगर आप इंडियन हैं तो ट्रेविस हेड को हल्के मत लीजिए, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आप मिचेल मार्श को हल्के मत लीजिए, क्योंकि ये वही मिचेल मार्श हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को T20 का वर्ल्ड कप जिताया था और पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया था। ट्रेविस हेड का तो इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड हम सब जानते हैं, लेकिन मिचेल मार्श को मौका मिला तो मिचेल मार्श ने बड़ी धुनाई की। 96 रन बना दिए 130 बॉलों पर, 13 चौके मारे और पाकिस्तान को एक्चुअली में कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने, मतलब टफ रहा। हालांकि आज पाकिस्तानी गेंदबाजी से काफी इंप्रेस रहे हम, शाहीन शाफरीदी आज जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जो चौतरफा क्रिटिसिज्म उनको लेकर हो रहा था वो आज उन्होंने सीरियसली लिया और शुरुआत में उस्मान ख्वाजा को आउट किया। बैक टू बैक उस्मान ख्वाजा को आउट कर रहे हैं। उसके बाद लाबुशेन जैसा बड़ा विकेट जो था वो भी उन्होंने निकाला। लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया में कितने खतरनाक है हम सब जानते हैं। उनका साथ मीर हमजा ने दिया, पहले डेविड वार्नर को आउट किया और डेविड वार्नर के बाद ट्रेविस हेड आते हैं और उनको पहली बॉल पर ही बोल्ड कर दिया, और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विकेट था ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड के बाद जब मैच फंसा तो फिर मीर हमजा की ही बॉल पर मिचेल मार्श का वो कैच था, फर्स्ट स्लिप में कैच लिया और उन्होंने ड्रॉप किया और उसके बाद कहानी पलट गई। मतलब 16/4 20/5 होता, वहां से 169/5 गया, पूरा मैच जो है वहां पलट गया और फिर सारे गेंदबाजों के पसीने छूट गए। जब तक विकेट गिरता मीर हमजा ने बाद में उनका विकेट लिया, लेकिन तब तक मिचेल मार्श 75 रन और जोड़ चुके थे। इससे पहले मैच की शुरुआत जब हुई तो रिजवान से बड़ी उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान चाहता था कि कुछ अच्छा हो, लेकिन मोहम्मद रिजवान 42 रनों पर आउट हो गए। हालांकि लोअर ऑर्डर से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, शाहीन शाफरीदी ने बल्ले से अच्छे रन बनाए, 21 रन बनाए और आमिर जमाल जो हैं 33 रन उन्होंने बनाए, जिससे पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर पाया। पाकिस्तान एक वक्त कमजोर हो गया था, 170/6 था, लेकिन आखिरी विकेट के लिए उन्होंने तकरीबन 90-94 रन जोड़ लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर आप 94 रन जोड़ लेते हैं आखिरी ओवर के लिए और आखिरी चार विकेटों के लिए, क्योंकि आखिरी में विकेट होते नहीं हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान ने अच्छी वापसी की। पैट कमिंस शानदार थे, 5 विकेट निकाले, 20 ओवर 1 मिडन 5 विकेट, एंड आई बिलीव कि वो ज़बरदस्त था। लेकिन जिस तरह से पैट कमिंस को पिच से मदद मिली थी वही मदद पाकिस्तान को भी मिली, और पाकिस्तान से मीर हमजा, शाहीन शफरीदी कमाल थे, कमाल थे। मतलब बल्लेबाजी में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को पाकिस्तान ने भी परेशान किया, आते विकेट निकाले। और डेविड वार्नर का खास तौर पर विकेट हो या उस्मान ख्वाजा का विकेट हो, अगर आप 0 पर पहला विकेट गिराते हैं और उसके बाद 6/2 और 16/3 तो फिर आप संघर्ष में रहते हैं। हम आपको बता दें, पाकिस्तान 1999 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता था, उसके पहले पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता है। इट्स बीन लाइक 24 ईयर्स,
पाकिस्तान मैच हारा है। 15 टेस्ट मैच 24 साल की कहानी बहुत लंबी होती है, लेकिन इस कहानी के बीच में अभी भी पाकिस्तान के पास एक बड़ा मौका है। हाफ चांसेस तो नहीं लेकिन 45% चांसेस मेरे हिसाब से हैं। अगर पाकिस्तान की टीम चौथे दिन आती है और ये 187/6 को आप 20-25 रनों में ऑल आउट कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान को 260-270 रन चाहिए होंगे चौथी पारी मैच जीतेंगे। और दो दिन डेढ़ दिन में अगर उनके बल्लेबाज वो बाबर आजम जिन्होंने साल 2023 में एक भी अशतक नहीं मारा, आइए शायद 36 से 39 उनका है, वो इमाम जो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने इजी कैचेस ड्रॉप किए 75 रन एक्स्ट्रा दिलवा दिए अपने कैच से, शान मसूद जो नए नवेले कप्तान बनाए गए हैं जिन पर बहुत सारी उम्मीदें हैं जो शायद थोड़ा तेज खेलते हैं, वो साउथ शकील या वो मोहम्मद रिजवान जिन्हें सरफराज अहमद की जगह खेलने का मौका मिला है, आगा अली सलमान, आमिर जमाल जो ऑलराउंडर अच्छे हैं, शाहीन अफरीदी, तो आई थिंक इनकी वजह से मैच लौट सकते हैं। और पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 264 रन बनाए थे सो उनके लिए ऑलमोस्ट वही स्कोर आएगा अगर वो 20 रन पर ऑल आउट करते हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान 40-50 रन और दे देती है और एलेक्स कैरी जो कि 16 पर नॉट आउट खेल रहे हैं वो थोड़े टिक जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और ये मैच मेरे हिसाब से पाकिस्तान से काफ़ी दूर